एक गुड एग्जीक्यूशन, इंगेजिंग ट्रेलर, मैच्योर आलिया भट्ट और डिफरेंट स्टोरी लाइन। भाई सब कुछ परफेक्ट होने के बाद वही एक क्वेश्चन कि क्या ये फिल्म ऑडियंस ग्रैब कर पाएगी, क्या इस फिल्म को ऑडियंस मिल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं इट्स स्टार टॉक शो। और आज हम बात करने वाले हैं आलिया भट्ट स्टारर जिगरा फिल्म के बारे में, जिसका ट्रेलर मैंने अभी देखा। इस फिल्म का डायरेक्शन वसंत बाला कर रहे हैं। वसंत बाला ने इससे पहले बड़ी बड़ी फिल्म जैसे कि मोनिका ओ माय डार्लिंग और मर्द को दर्द नहीं होता जैसी फिल्में दे चुकी हैं। मोनिका ओ माय डार्लिंग अगर मैं बात करूं तो उसका डायरेक्शन परफेक्ट था, मतलब कि एक परफेक्ट डायरेक्शन जो होता है ना वो मोनिका ओ माय डार्लिंग का था। और अब उनकी ये फिल्म आ रही है जिगरा, जिसके लिए मैं सच में एक्साइटेड था। और अभी मैंने इसका ट्रेलर देखा। फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद कहानी जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि आलिया भट्ट का एक भाई है, आलिया भट्ट का पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आलिया भट्ट का एक भाई है जिसे अब जानबूझकर या किसी साजिश के तहत या फिर किसी रीजन की वजह से जेल में बंद कर दिया गया है। और अब आलिया भट्ट को उस भाई को जेल से बाहर निकालना है। आलिया भट्ट के पास समय बहुत कम है और उन कम समय में आलिया भट्ट को प्रिपरेशन भी करनी है और अपने भाई को जेल से बाहर भी निकालना है। अब टोटल कहानी इस असमंजस में घूमेगी कि भाई क्या होने वाला है, और इसी फेज में, इसी स्ट्रक्चर में घूमेगी, जो कि कोई बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं है। इससे पहले बहुत से हीरोज ने ये फिल्में करके दिखाई है जहाँ पे वो किसी रीजन से कोई को जेल से निकालने के लिए जेल तोड़ते हैं। नॉट अ न्यू स्टोरी लाइन, लेकिन भाई स्टोरी का प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी मैं जो प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ, कहानी के कैमरा एंगल ले लो, स्क्रीन प्ले ले लो, या फिर जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी करी गई है वो सब तो परफेक्ट लग रहा है। और जिस तरीके से मैं बाला सर का जानता हूँ प्रेजेंटेशन का तरीका, उन्होंने कहा ओ माय डार्लिंग मैंने देखी है, तो भाई वो तरीका तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगा। लेकिन मन में एक डाउट तो कहीं ना कहीं आ गया कि भाई क्या ये फिल्म ऑडियंस ग्रैब कर पाएगी, लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे क्या थिएटर में, लोग इस फिल्म को पसंद करेंगे क्या। आलिया भट्ट इन एक्शन मोड, भाई बहुत अच्छी बात है कि आलिया भट्ट इन एक्शन मोड, बट देयर इज नो हीरो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हीरो की जरूरत बहुत है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि भाई स्टोरी में हीरो होगा तभी कहानी हिट होगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस तरीके का एंगल नहीं दिखाया गया। टोटली फिल्म दिखाई गई है आलिया भट्ट को सेंटर में रखते हुए, पूरे फिल्म डिपेंड करती है आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर कि आलिया भट्ट फिल्म को किस तरीके से ले जाती है। कहानी को देखना कि आलिया भट्ट किस तरीके से जेल से अपने भाई को निकालती है कितना इंटरेस्टिंग होगा, मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूं। और ऑडियंस मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सच में इस तरीके की फिल्में देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट एज अ एक्टर, बाप रे कितना ज्यादा एवॉल्व किया आलिया भट्ट ने, देखने में बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग लगता है। भाई आप देखो कहां आलिया भट्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर में बैठे हुई थी, कहां वो अमैच्योर नेपो किड से लेकर कहां वो मैच्योर गंगूबाई काठियावादी जैसी फिल्में करते हुए अपने आप को इवॉल्व कर रही है। भाई आलिया भट्ट ना कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जहां पे आलिया भट्ट को अपने आप को शोकेस करना हो। अब आलिया भट्ट ने अपना एक्शन मोड दिखा दिया है। इससे पहले हमने राजी फिल्म देखी थी, राजी फिल्म में हमें कुछ उस तरीके का अतरंगा कैरेक्टर देखने को मिला था, और सेम टू सेम अब वो कैरेक्टर या फिर उससे थोड़ा हटके कैरेक्टर देखने को मिल रहा है जिगरा में, जिसकी कहानी ट्रेलर मुझे इंगेजिंग लगा, अच्छा लगा, मुझे तो देखने का मन है, कहानी मुझे देखने की मन है। लेकिन अभी मैं ऑडियंस के ऊपर, अगर मैं ऑडियंस के रूप से देखता हूं तो मुझे थोड़ा कम चांसेस लग रहे हैं ऑडियंस के कि ये फिल्म में देखने को ऑडियंस जाए, क्योंकि ट्रेलर तो इंगेजिंग है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी सी नजर आई। वहीं इस फिल्म के मेन स्टार, मेल को एक्टर यानी कि उनका भाई जिनका नाम वेदांग रायना है, उनको मैंने देखा। वो शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कि मैं रणवीर सिंह को देख रहा हूँ, भाई टोटली ऐसा लगा रणवीर सिंह बाल बाल कटा के आ गए, बट देन मुझे देखने के बाद पता चला कि ये रणवीर नहीं है, वेदांग रायना है। ठीक है भाई, कैसी एक्टिंग होती है, क्या होता है, वो सब तो हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल इसका ट्रेलर इंगेजिंग था, अच्छा था। और बाकी ऑडियंस क्या बोलती है मुझे कमेंट करके बताओ भाई, आप लोग को कैसा लगा, मुझे तो जो लगा वो ये था। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहां पे इस फिल्म की हम बात करेंगे, किसी नए ट्रेलर टीजर की बात करेंगे। तब तक के लिए